नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। माता मंदिर पर किया चोरों ने हाथ साफ, अज्ञात बदमाश करते मंदिर पर बनी देवी देवताओं के चित्रों पर खून से तिलक। बदनावर थाना अंतर्गत ग्राम तिलगाड़ा में महिषासुर मर्दनी मंदिर पर गुरुवार रात्रि को अज्ञात चोर मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर माता का चांदी का मुकुट, छत्र सहित पूजा अर्चना करने का सामान कीमत लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये पर हाथ साफ कर लिया। सुबह मंदिर पुजारी संतोष दुबे आरती करने आए, तब चोरी का पता चला। तब उन्होंने मंदिर समिति को सूचित किया। इसी दौरान गांव के कृष्ण पाटीदार भी दर्शन करने आए। पता चलने पर उन्होंने तुरंत भेसोला चौकी पर सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया व जांच में जुट गई। आपको बता दें, कुछ समय से मंदिर की दीवार पर बनी देवी देवताओं के चित्र पर कोई अज्ञात व्यक्ति अमावस्या व 11 के 11 के दिन खून के तिलक भी लगाकर जाता है। उस व्यक्ति ऐसा कुकृत्य क्यों कर रहा है, गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही पंडित का कहना है कि मेरे द्वारा इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया, किंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बदनावर से ब्यूरो चीफ राजेश चौहान की खास रिपोर्ट। जब मैं सुबह माता जी के मंदिर पर दर्शन करने के लिए करीब 10:30 बजे आया, तो मेरे को पंडित जी ने बताया कि अपने माता जी के मंदिर पे चोरी हो गई है। तो मैंने गांव में भी चर्चा करी और पुलिस चौकी पे भी फ़ोन लगाया, तो जवान आए थे और अभी पंचनामा बना के और देख के गए हैं। करीब 10 हज़ार रुपये की जेवरात चोरी हुई है। अच्छा, यहाँ कोई अज्ञात व्यक्ति देवी देवता के मस्तक पे खून के टीके लगा दिए, क्या मामला है? हाँ, ये भी संज्ञान में आया कि करीब मतलब ये पूर्णम अमावस के दिन ये करते हैं, तो इसका भी मतलब हम देखरेख करेंगे। वह जब आया मैं मंदिर में, तो पता चला कि यहाँ पे चोरी हुई है, तो कुछ सामान लेके गए हैं। छत्तर है, तांबा का पात्र है, लोटा तरवाना वगैरह, ये सुबह करीबन 8 बजे के आसपास। अच्छा, एक और ये मामला है यहाँ पे कि कोई अज्ञात व्यक्ति भगवान पे खूनों का तेल लगा जाता है, ये क्या है? हाँ, ये टीलर लगा के देखा मैंने, यहाँ पे टीलर लगे हुए देखे थे खून के, 2 बार हुआ ऐसा। अच्छा, इस बारे में आपने समिति वालों को बोला कुछ? समिति वालों को बोल दिया, बाकी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। FIR करवाई आपने? हाँ, बताया था इसे।